सूजी जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसके बाद एक कप दही, आधा कप ऑयल, रिफाइंड ऑयल लीजिएगा, और एक कप पिसी हुई चीनी। सबसे पहले हम दही लेंगे, इसको अच्छे से फेंटना है। एक कप पिसी हुई चीनी, इसको भी अच्छे से मिक्स करना है। इसमें हम धीरे धीरे करके ऑयल डाल देंगे। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हमें सूजी डालना है। इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध भी डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें दूध डालेंगे। जैसे हम रेगुलर केक बनाते हैं, इस तरह का बैटर हमें चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और अभी हमें इसको रेस्ट देना है 20 to 25 minutes तक हमें इसको रेस्ट देना है। इसको रेस्ट देंगे। आइए अब चेक करते हैं बैटर। इसमें थोड़ा सा दूध और जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहां पर मैं कुछ टूटी फूटी ले रही हूं, केक के अंदर डालने के लिए। तो यहां पे थोड़ा सा आप आटा लेके इसको मिक्स कर दीजिए, ताकि वो सारी जो है टूटी फूटी नीचे नहीं बैठ जाए। इस तरह से अब हम ये बैटर में डाल देंगे।
अब यहाँ पर हमें डालना है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर हम डालेंगे 1 टीस्पून और बेकिंग सोडा 1/4, यानी कि इसी चम्मच से हम 1/4 कर देंगे। अब हम मिला लेंगे इसको अच्छे से। यहाँ पर मैंने एक टिन लिया है जिसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है, तो अब हम इसमें सब डाल देंगे। टैप करेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स कटे हुए और टूटी फ्रूटी डाल दिए हैं। यहाँ पर एक होल है जिसमें मैंने ये पेपर का टुकड़ा लगा दिया है ताकि स्टीम बाहर ना जा सके। अब हम इसको करीब 35 to 40 मिनट्स तक इसको अच्छे से होने देंगे। एक बार हम केक को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं टूथपिक एक बार चेक करेंगे। देखिए ये टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकला है, इसका मतलब हो गई है क्या। टेन मिनट्स के लिए हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। देख सकते हैं और ये एकदम स्पॉन्जी बना है, एकदम इसको अगर हम टच करेंगे ना तो एकदम स्पॉन्जी, एकदम सॉफ्ट।